इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2023, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इतिहास रचते हुए सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया। क्रिकेट में हार जीत जो है वो होती रहती है, लेकिन कल पाकिस्तान इस मैच में अपने घुटने टेकते हुए भारत के सामने नजर आया। पाकिस्तान जो कि दुनिया की नंबर वन टीम कुछ वक्त पहले था, अभी भी नंबर दो है, अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है। बाबर आजम जो कि दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान टीम में गेंदबाजों में एक से एक स्टार गेंदबाज हैं। बल्लेबाजी में भी चर्चा उतनी नहीं होती है, लेकिन टॉप फाइव में टॉप तीन बल्लेबाज हैं। लेकिन ये पूरी टीम जो है वो 128 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। 128 रनों के आंकड़ों पर आउट होना इंडियन फैंस के लिए भले ही एक्साइटमेंट दे रहा हो, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान ने इस मैच में डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट किया अपने लोगों को, अपने प्रशंसकों को, क्योंकि जब 350 का स्कोर सामने आता है तब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जीत अपनी जगह है, लेकिन टक्कर की लड़ाई हो। लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 128 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मुकाबले को 228 रनों से अपने नाम कर लिया।